सबसे पहले आपको एक इस तरह के का कांच का मैंने एक स्टैंड सा ले लिया है। आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। वो लेने के बाद सबसे पहले आपको एक इस तरीके का मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है। लकड़ी का टुकड़ा सबसे पहले हम इसके ऊपर चिपका लेते हैं। आगे का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लकड़ी को टुकड़े को चिपका लेते हैं ग्लू गन की सहायता से। तो चलो चिपकाते हैं। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ग्लू गन गर्म कर कर और इसके ऊपर इस तरीके से चारों साइड लगा लेनी है। और लगाने के बाद आप अच्छी तरीके से अच्छी ग्लू गन लगा कर और इस तरीके से आपको एक साइड चिपका देना है, जैसे कि मैंने चिपकाया है। इस तरीके से चिपकाने के बाद आपको मैंने एक गियर मोटर ली है, जो कि आप टॉय वगैरह में से भी निकाल सकते हो और वैसे भी खरीद सकते हो, लोकल मार्केट से और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो मेरे पास एक ये छोटी वायर मोटर, और इसको इसके सामने हम एक इस तरीके का नट लगा वोल्ट लगाने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप इसके सामने इस तरीके की एक तागा लपेटने की या तागा इकट्ठा करने की एक इस तरीके की फिरकी लगा सको इसके अंदर आकर, और ये वोल्ट टाइट हो जाएगा। तो इसका जुगाड़ बनाने के लिए मैंने एक वोल्ट ले लिया है, और वोल्ट को हम इसके अंदर, ये तो इसकी बार वाली बॉडी है, इसके अंदर आपको ये इस तरीके का एक कट दिख रहा होगा, जो कट के अंदर हिस्सा है यही इसके घूमने वाला है। तो इस घूमने वाले इसके ऊपर इस तरीके से नट को काट कर और इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, ग्राइंडर की मदद से एक बार इसको काट लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इस वोल्ट को आगे से काट लिया है, और काट लेने के बाद हम इस मोटर के ऊपर ग्लू गन की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। चिपका लेने के बाद आपको एक बार एक मार्क से इसके आगे को हिस्से को घिस लेना, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए और अच्छी तरीके से पकड़ बना जाए ये ग्लू गन। और सबसे पहले इस तरीके से आपको ग्लू गन लगा लेनी है, और ग्लू गन लगाने के बाद आपको इस वोल्ट को इस तरीके से आपको बिल्कुल सेंटर के अंदर लगाना है। इस तरीके से मैंने ये वोल्ट काट लिया है आगे की साइड से। काट लेने के बाद आपको इस तरीके से मोटर के ऊपर जो बीच के अंदर जो इसका हिस्सा घूमने वाला है, उसी हिस्से पे आपको चिपकाना है। चिपकाने से आप इस फेविक्यू की मदद से भी इसको चिपका सकते हो। तो मैं फेविक्यू की मदद से इसको चिपका देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से फेविक्यू लगा कर और चिपका लेना है, और शुरू में आपको थोड़ी ही फेविक्यू लगानी है इस तरीके से लगा कर, और इस तरीके से आप चिपका सकते हो। तो मैं एक बार चिपका लेता हूँ। इस तरीके से हम इस मोटर के ऊपर दोस्तों ये नट सेट कर रहे थे, पर हो नहीं सका। तो मैंने इसके ऊपर वाले इस तरीके से लॉक खोल कर और इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया यहाँ से, और इसके ऊपर वाला हिस्सा काट कर, और अब ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से हम आसानी से इसके ऊपर वोल्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको फिर इस तरीके से बंद कर कर और इस तरीके से वापस से एक बार लॉक लगा देता हूँ, ताकि अच्छी तरीके से हमारा ये, अगर आपको लॉक नहीं लगाना आता तो यह इस तरीके की गिरारी दिख रही है, और यहाँ पर ये खाली जगह दिख रही है। इस तरीके से आप इस तरीके के लॉक आप वापस से लगा सकते हो। तो एक बार मैं इस तरीके के लॉक ये वापस से लगा देता हूँ। इस तरीके से आसानी से लॉक लग जाते हैं। लगाने के बाद एक बार हम इसको चला कर दिखा सकते हैं, और इस तरीके का लिथियम आयन शायद यूज करने वाले हैं। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरीके से वर्क कर रही है ये आपको घूमती हुई दिख रही होंगी, इस तरीके से वर्क कर रही है। एक बार हम इसको अच्छी तरीके से रेग मार्क से आगे से घिस लेते हैं, और घिसने के बाद अब की बार इस तरीके से आप ग्लू गन की सहायता से भी अब की बार अच्छी तरीके से लगा सकती हो। तो मैंने एक बार इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी ग्लू गन डालकर और जिस साइड से हमने काटा था उसी साइड से लगाना है, क्योंकि दूसरी साइड पर हम इसके ऊपर ये इसकी वो ऊपर डेबरी भी लगाने वाले हैं। डेबरी इस तरीके की होती है, इसके ऊपर हम लगाकर अच्छी तरीके से टाइट कर सकें। तो एक बार इसको हम सूखने देते हैं। अच्छे तरीके से ग्लू गन लगाकर सूख गई है, और एक बार मैं इसको चलाकर भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो लंबी होने वाली है, इससे लंबी इसलिए होने वाली है कि आपको हम एक एक स्टेप दिखाने वाले हैं कि आप अच्छी तरीके से बना सको। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरीके से चल रही है, और इसके ऊपर ग्लू गन की सहायता से हम एक बार इसको चिपका लेते हैं। और
अच्छी तरीके से ग्लू गन डालकर एक बार हम इसके ऊपर चिपका लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसे गियर मोटर है जो लगाने वाले हैं ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो मैं एक बार अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ। इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको लगा देनी है, जिस तरीके से मैंने लगाई है। लगाने के बाद इसके वो साइड, इसके साइड में भी आप अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा सकते हो, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए, बिल्कुल भी न टूटे इस जगह। इसी तरीके से मोटर चले। तो एक बार मैं इसके साइड में भी लगा देता हूँ। इस तरीके से मैंने लगा दी है, और लगाने के बाद हम इसके आगे इस तरीके से एक बार मैं सेट करके दिखा देता हूँ वो फिरकी कहाँ पर गई। इस तरीके से ये फिरकी है, जिसकी मदद से आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो लगाने के बाद। और इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा ना टाइट कर कर इस तरीके से बिल्कुल आपको आराम आराम से बिल्कुल नट कड़ा करना है, टाइट करना है। इस तरीके से टाइट कर सकते हो। और हम इसके अंदर ये स्विच और चार्जिंग लगाने वाले हैं। चार्जिंग मॉड्यूल आपको बाज़ार में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है, स्विच बैटरी और ये चार्जिंग मॉड्यूल, तो मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ऑनलाइन भी जाकर परचेज कर सकते हो। तो इसको भी फिट करने वाले हैं। एक बार हम चला कर इसको देख लेते हैं। इस तरीके से लगा सकते हो आप, इस तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, थोड़ा ये तिरछा लगा हुआ है इसलिए वो अच्छी से नहीं घूम रहा है। तो आप इसको अच्छी तरीके से सीधा भी लगा सकते हो, इस तरीके से घूम रहा है अच्छी तरीके से। तो एक बार हम इसको फटाफट सेट कर लेते हैं, और इसको अच्छी तरीके से एक बार और ग्लू गन लगा देते हैं, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाइए। इस तरीके से मैंने थोड़ी ग्लू गन और लगा दी है, और इस तरीके से मैं एक बार इसके ऊपर स्विच भी लगा देता हूँ। इसके साइड में यहाँ पर लगा देते हैं ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी इसको लगा सकते हो। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। इस पर भी आपको अच्छी तरीके से ग्लू गन डाल देनी, ताकि अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी ग्लू गन डाल दी है। डालने के बाद आपको इस कनेक्टर से ये ग्लू गन हटा देनी है, ताकि अच्छी तरीके से बाद में सोल्डिंग हो जाए। तो मैंने इस तरीके से ये लगा दी है, ये स्विच इस तरीके से लगा दिया है। सूखने के बाद हम इसके कनेक्शन भी कर देंगे। इसके बाद में हम ये दोनों चीज़ सेल और ये मॉड्यूल भी इस तरीके से हम इसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। तो मॉड्यूल हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद और सेल को हम इस तरीके से कहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं एक बार के लिए तो यहाँ पर ही सेट कर देता हूँ, इसके साइड में ही सेट कर देता हूँ। इस तरीके से ग्लू गन डालकर और अच्छी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। करने के बाद एक बार मैं इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको बैटरी के माइनस और प्लस को इस मॉड्यूल के अंदर वाले हिस्से पे कनेक्ट कर देना। अंदर वाले दो कनेक्टर हैं। एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इस तरीके से आपको इसके अंदर एक तो ये माइनस का अंदर वाला, एक अंदर वाला प्लस का दिख रहा है। इसके ऊपर आपको बैटरी के दोनों माइनस और प्लस अंदर कनेक्ट कर देने हैं। करने के बाद आपको आउटपुट लेने के लिए ये दो वायर इस तरीके से निकलेंगे। निकलने के बाद आप एक इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, और एक मोटर का आपको एक मोटर का आप इस स्विच में कनेक्ट कर कर और दो कनेक्ट बचेंगे, एक इस स्विच का और एक इसके पे कनेक्ट कर सकते हो। एक बार मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको फिर एक बार समझा दूँगा। इस तरीके से देख सकते हो, तो हमने कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों, आसानी से कनेक्शन कर दिए हैं। बैटरी के हमने दोनों कनेक्टर इसके अंदर, दोनों इसके अंदर वाली साइड भी कर दिए हैं, और एक स्विच का यहाँ पर और एक मोटर का यहाँ पर और एक मोटर का यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। एक बार हम इसकी टेस्टिंग भी आपको करके दिखा देते हैं। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, मैं एक बार स्विच ऑन करूँगा और ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। एक बार आपको स्विच बंद कर कर और एक बार दो तीन बार आपको लपेट देना है ये धागा। इस तरीके से लपेटने के बाद ये अपने आप है, इसको इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इस तरीके से पकड़ कर एक बार ये उल्टा चल रहा, तो एक बार आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। तो इस तरीके से एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों।
एक बार आपको दो चार बार अच्छी भी लपेटना पड़ेगा। जब अच्छी तरीके से काम करेगा तो एक बार मैं अच्छी तरीके से इसको धागे को लपेट लेता हूँ। इस तरीके से लपेटने के बाद एक बार आपको धागे को टाइट रखना है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आसानी से। देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से ये इसको कर रहा है। देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से इसको इकट्ठा कर रहा है। तो आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।